यूडाइस प्लस पोर्टल में स्टूडेंट डेटा और जो स्कूल की प्रोफाइल है इन्हें अपडेट करने के जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिए गए हैं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए। आज हम देखेंगे कि यदि हमारी संस्था में कोई छात्र प्रवेशित हुए हैं, एडमिट हुए हैं, तब ऐसे छात्रों को हमें कैसे ऐड करना है, कैसे जोड़ना है, क्योंकि इस बार यदि हम देखें तो यूडाइस प्लस पोर्टल में कुछ चेंज हुआ है और इसमें जो वर्क करना है इसकी प्रोसेस भी अलग है। हालांकि किस प्रकार से इसमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है इसे हम लास्ट के वीडियो में देख चुके हैं। आज हम केवल एक चीज देखेंगे कि कोई नवीन छात्र हमारी शाला में आया है, एडमिट हुआ है, तब ऐसे छात्रों को कैसे इसमें ऐड करना है पोर्टल में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udiceplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करके हमें जो स्टूडेंट मॉड्यूल है इसके सामने स्टेट सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब ओपन होगी जहां फिर से हमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे जहां हमें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से इसमें लॉगिन करना है। यूजर आईडी संस्था का यूडाइस कोड होता है जो कि 11 अंकों का है, और पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड हो वो आप इसमें फिल करें, और यदि पासवर्ड भूल गए हो तब फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप SMS के माध्यम से जो पासवर्ड है इसे प्राप्त कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल में। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा जहां सबसे पहले ही हमें शैक्षणिक सत्र 2023-24 का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें इस ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक पॉपअप मैसेज आया है जहां हमें अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, तो इसे रीड करके आपको क्लोज कर देना है। अब यहां पर छात्रों को कैसे जोड़ें, इस बार यदि आपने देखा होगा तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर कुछ चेंज जरूर हुए हैं और इसमें जो वर्क करना है इसकी प्रोसेस भी थोड़ी अलग है। अब छात्रों को जोड़ने के लिए आप यहां पर ध्यान रखें कि दो प्रकार के छात्र आपकी शाला में हो सकते हैं। पहले प्रकार के छात्र की आपकी जो भी प्रारंभिक कक्षा है इसमें छात्र प्रवेशित हुआ है, एडमिट हुआ है, इन्हें आपको जोड़ना है। और इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो बीच की कक्षाएं हैं जैसे कक्षा 2 से लेकर 5 तक या फिर अन्य जो कक्षाएं हैं ऐसी कक्षाओं में छात्र प्रवेशित हुआ हो तो ऐसे छात्रों को जोड़ने के अलग ऑप्शन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 1 में जो छात्र एडमिट हुआ है उन्हें जोड़ने के अलग ऑप्शन है और बीच की कक्षाओं में जो छात्र एडमिट हुए हैं इन्हें जोड़ने के अलग ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक कक्षा है कक्षा 1 इसमें छात्रों को हमें कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऐड स्टूडेंट का। इसके लिए आपको ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करना है और आप छात्रों को जोड़ सकते हैं, लेकिन छात्रों को आप केवल तभी जोड़ पाएंगे जबकि इसके पूर्व आप अपनी शाला के जो छात्र हैं इनके रिजल्ट को आप अपडेट कर दें। रिजल्ट को अपडेट करने के लिए हालांकि इसका जो वीडियो है वो चैनल में अपलोड है कि छात्रों का जो रिजल्ट है किस प्रकार से अपडेट करना है, इनकी प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, तो आप उसे देख सकते हैं। फिर भी एक बार सरसरी तौर पर हम इसे देख लेते हैं। अब जैसे वर्तमान में हम छात्रों को जोड़ रहे हैं कक्षा 1 के छात्र को, तो यहाँ पर जैसे हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आता है पॉपअप मैसेज की प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अर्थात जो प्रोग्रेशन है हमने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो हमें इसे पहले फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के लिए जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे जिसका जो पहला ऑप्शन है इसके गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, जितनी कक्षाएं आपकी शाला में संचालित हैं वे सभी प्रदर्शित होंगी, तो एक एक कक्षा को आपको सिलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद में संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उनके नाम आ जाएंगे जहां आपको इनका जो रिजल्ट है वो अपडेट करना होगा। रिजल्ट अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें बताना होता है कि छात्र पास हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि पास हुआ है तो उसके कितने परसेंट आए हैं वो हमें फिल करना होता है। छात्र जो है लास्ट एकेडमिक ईयर में कितने दिवस उपस्थित रहा वो संख्या डालना होता है। इसके बाद में यहाँ से हमें स्टेटस सेलेक्ट करना होता है कि छात्र हमारी ही शाला में है या किसी अन्य शाला में अध्ययनरत हो चुका है, TC लेकर चला गया है किसी अन्य शाला में। अब जैसे अंतिम कक्षा है तो अंतिम कक्षा के लिए केवल एक ही ऑप्शन आएगा लेफ्ट स्कूल विथ TC, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में अपडेट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सभी कक्षाओं के छात्रों का जो रिजल्ट है आपको इसमें अपडेट कर देना होगा, और जब हम सभी कक्षाओं और छात्रों का जो रिजल्ट है इसे अपडेट कर देंगे इसके बाद में आपको लास्ट में आना है और फाइनलाइज्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा
इसे आपको कंफर्म करना होगा, तो हम कंफर्म कर देते हैं। अब कंफर्म करने के बाद में फिर से हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी को ओपन करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, जिसका पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इसका सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन, इसे आपको ओपन करना है। जैसे हमने ओपन किया तो कुछ डिक्लेरेशन है, इसके चेकबॉक्स को टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, अर्थात 2022-23 के जो छात्र हैं इन्हें हमने प्रोग्रेस कर दिए हैं, इन्हें प्रमोट कर दिए हैं। यदि इसमें कुछ एरर रहेगा तो एरर मैसेज भी आ जाएगा, आप उन एरर मैसेज को देखते हुए अपना कार्य करें। तो यहाँ पर सक्सेस हो गया है, हम ओके कर देते हैं। अब छात्रों को कैसे जोड़ना है, छात्रों को जोड़ने के लिए स्कूल डैशबोर्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। और कक्षा एक के छात्रों को हमें जोड़ना है तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है केवल कक्षा एक के लिए, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की जो प्रोफाइल है इन्हें ऐड करने के ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको एक एक करके छात्रों की सभी जानकारियों को दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो छात्र हैं प्रारंभिक कक्षा के वो आप जोड़ सकते हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पर। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन कि यदि बीच की कक्षा में कोई छात्र हमारी शाला में एडमिट हुआ है, प्रवेशित हुआ है, तो उन्हें कैसे जोड़ना है। तो उन्हें जोड़ने के अलग ऑप्शन है, इसके लिए आपको फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इम्पोर्ट मॉड्यूल का, तो इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए गो पर क्लिक करें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र को नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ से छात्र को हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सर जो नेशनल कोड है आखिर है क्या और इसे कैसे पता करें, तो इसे हम वीडियो में आगे देख लेंगे। साथ में इसमें बता दें कि छात्रों को ऐड करने का एक और ऑप्शन इसमें दिया गया है गेट नेशनल कोड, इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप छात्र को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो छात्र का जो आधार नंबर और यहाँ पर आपको छात्र का जो जन्म वर्ष है वो फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो छात्र का जो नेशनल कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर नेशनल कोड और जो डेट ऑफ बर्थ है इसे फिल करके छात्र को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि छात्र केवल तभी सर्च होगा जबकि जैसे पूर्व में जिस संस्था में वो अध्ययनरत था उस संस्था के द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी पूर्ण कर ली गई हो, अर्थात छात्र को प्रमोट कर दिया गया हो, तभी इन ऑप्शनों से छात्र इसमें सर्च होगा। तो हम यहाँ पर अब इसमें प्रश्न आता है कि नेशनल कोड कैसे सर्च करें, तो नेशनल कोड सर्च करने के लिए हम देखते हैं कि एक और ऑप्शन है, आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है और इसका जो थर्ड ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स, इसके गो पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप संस्था का जो यूडाइस कोड है इसे फिल करके छात्र का जो नेशनल कोड है इसे सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर नेशनल कोड लिखा हुआ है और नेशनल कोड के सामने छात्र का नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। इसके बाद में या तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, ब्लॉक सेलेक्ट करके भी छात्र को सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों के जो नेशनल कोड है आप सर्च कर सकते हैं। अब इस नेशनल कोड को आपको इसमें ऐड करना होगा, जो इम्पोर्ट मॉड्यूल वाला ऑप्शन है इसके गो पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो नेशनल कोड है छात्र का वो फिल करें, छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है इसे फिल करना है और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो छात्र की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी जिसे आपको सेव करना होगा। जैसे आप सेव करेंगे तो संबंधित कक्षा में छात्र जो है यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों को ऐड कर सकते हैं। छात्रों को ऐड करने के दो अलग अलग ऑप्शन हैं, प्रारंभिक कक्षा में छात्रों को ऐड करने के अलग ऑप्शन हैं और बीच की कक्षाओं में जो छात्र हैं उन्हें ऐड करने के अलग ऑप्शन हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में ऐड करने का जो स्कूल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद में आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके छात्र को ऐड कर सकते हैं, और बीच की कक्षाओं में यदि छात्रों को ऐड करना हो तब इम्पोर्ट मॉड्यूल से आप छात्र को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप इम्पोर्ट मॉड्यूल गो पर क्लिक करेंगे तो आपको छात्र का नेशनल कोड फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और गो पर क्लिक कर देना है। साथ में जो नेशनल कोड है आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, या फिर जो थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है ड्रॉप बॉक्स का, गो पर क्लिक करके आप किसी भी जिले के छात्र का जो नेशनल कोड है वो पता कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों को कैसे जोड़ना है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।